छह कलमे इन्होंने आपको डरा डरा के याद कराए बचपन में और ये बता के कि शादी वाले दिन सुने जाएंगे आपसे और अगर आपको ना आए तो वोट ही नहीं लगेगी तो जनानी नहीं लगनी। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है क्या कलम छह कलमों को कुरान या हदीस में कोई सबूत है। देखिए ये जो छह कलमे हैं ना ये कलमों का तो सबूत है, इनके नंबर जो छह लोगों ने लगा दिए पहला कलमा दूसरा कलमा तीसरा कलमा ये नंबर साबित नहीं है। ऐसे कलमे बहुत सारे हैं जो अल्लाह की हमदो सना पर छह नहीं हो सकता 20-25 हो, तो ये चूंकि ज्यादा अहम थे इसलिए उलमा ने इनको एक जो है जमा करके इनको नंबर दे दिए और आवाम को याद करने में ताकि आसानी हो तो इसलिए नंबर दे दिए कि भाई एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, लेकिन इसका इन नंबरों का कुरान हदीस से सबूत नहीं है। लेकिन इस अमल को बिदअत नहीं कहा जाएगा इसलिए कि जैसे ये जो चौथा कलमा कहा जाता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्द युही व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत व हुवा अला कुल्ली शय्इन क़दीर, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है हदीस में। तो ऐसे ही ये जो तीसरा कलमा जिसको कहा जाता है सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर और ये इस्तिग़फ़ार के कलिमात हैं, तो इनके नंबर कहीं हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता ये कलिमात हदीस से साबित हैं और इनके अलावा भी कुछ कलिमात हैं जो हदीस से साबित हैं। तो उलमा ने देखा इन छः में ज़्यादा की फजीलत है, इनके अल्फाज बड़े जानदार हैं, तो आवाम को याद कराने के लिए उलमा ने नंबर दे दिए। जैसे तबलीग में छः नंबर होते हैं ना, अब उन नंबरों को तो हदीस से कोई सबूत नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो छः नंबरों में बातें की जाती हैं वो तो सारी कुरान और हदीस से साबित हैं। इकराम है, मुस्लिम है और जो 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 भी है तबलीग वाले जो बयान करते हैं अल्लाह से होने का यकीन वगैरह वगैरह। तो ये जो छः नंबर है ना, छः कलमे हैं, ये भी ऐसे ही हैं। तो ये कलमे के नंबर हदीस से साबित नहीं है, ये उलमा ने लोगों की आसानी के लिए हर एक को एक नंबर दे दिया ताकि लोग याद कर लें। तो बाज़ चीज़ें तालीम की आसानी के लिए लोगों को, ताकि लोगों के लिए उसका सीखना आसान हो जाए, इसलिए उसको मैनेज करने के लिए ऐसे नंबर दे दिए जाते हैं। बहन ने फरमाया कि किसी ने कहा कि ये छह कलीमे जो है ये कुरान या हदीस में नहीं है बल्कि ये उलमाए किराम ने इसमें जो मजामीन है वो मजामीन चूंकि हमारे अकायद से ताल्लुक रखते हैं और आमाल से अच्छे अमाल से ताल्लुक रखते हैं इसलिए इनको कलिमात को मुरतब करके अवाम में आम किया है, क्या ये सही है? तो जी हाँ बिल्कुल सही है, ये बिदअत हसना है। जो भाई बिदअत 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 कहते हैं कि जी ये बिदअत है वो बिदअत है, वो छह कलमे कुरान या हदीस से साबित करके बताएं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इन छह कलिमात का रवाज हो। बाज़ औक़ात हम जोश में जज्बे में आकर बहुत सारी चीजें इस तरह की कह रहे होते हैं कि वो हम उनको नाजायज या ममनू कह रहे होते हैं लेकिन खुद उन चीजों को इख्तियार भी किए हुए होते हैं। तो ये छह कलमे यकीनन इनके मजामीन कुरान में भी हैं हदीस में भी हैं लेकिन बयानी इन अल्फाज के साथ ये मजमुआ छह कलिमात का ये बाद में उलमाए किराम ने मुरत्तब किया है ताकि हमारे बच्चे हमारी अवाम वो जो हमारे अकायद हैं उनको इजमाली तौर पर इन कलिमात में जान सके, जो अच्छे मशहूर और जरूरी आमाल हैं उनका तस्किरा इन कलिमात में हो ताकि जब ये कलिमात दोहराएं तो तवज्जो उन चीजों की तरफ रहे। इससे ये भी नतीजा निकला कि उलमाए किराम ने छह कलिमात इसलिए नहीं मुरत्तब किए थे कि कुछ समझ में आए ना आए रट्टे लगाओ और छह कलमे याद कर लो, बल्कि वो तो इसलिए थे कि ताकि ये छह कलीमे जिन मजामीन पर मुश्तमिल हैं वो मजामीन इतने अहम हैं कि उनको बार बार अपने जहन नशीन किया जाए, बार बार उनको दोहराया जाए। अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये होती है कि कभी शुरू में अगर बच्चों को तर्जमा याद करवा भी दिया जाए इन कलिमात का, बाद में भूल भाल जाते हैं। बड़े बड़ों को बिठा लें, आप एक लाख मुसलमानों को बिठा लें और पूछ लें कि छह कलीमे का तर्जमा करके बता दें, नहीं बताएंगे। तो हमारे यहाँ उमूमन अब रस्म चल रही है रुख खत्म हो गई है, तो ये नहीं होना चाहिए बल्कि हर चीज की रुख को भी आप समझें। तो लिहाजा छह कलीमात बहरहाल पहले नहीं थे, ये बाद में है, लेकिन चूंकि ये दीन की तकवीद और तरक्की के लिए ईजाद किए गए इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा आप बिदअत हसना कह सकते हैं और हर बिदअत गुमराही नहीं होती है, बाज़ बिदअतें अच्छी भी होती हैं, लिहाजा इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल इस पर सवाब भी मुरत्तब। पर ये भी कहते हैं कि जी ये तो देखे ना, अगर कोई कहे कि जी आप पिज़्ज़ा खाते हैं, आप आइसक्रीम खाते हैं, आप नए नए खाने खा रहे हैं, कि ये बिदअत नहीं है, तो कहते हैं ये तो दुनिया की चीज़ें हैं ना, दीन के अंदर नया काम कोई ईजाद किया है? तो ये फ़कीर आपको बता देता है कि बहुत सी ईजादात हुई हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के दौर से आप देखें, सबसे पहले जमीअ कुरान अल्लाह के नबी ने नहीं किया ना उसका हुक्म दिया, आपने जमीअ कुरान का एहतमाम फरमाया। फिर दौरे फारूकी के अंदर तरावीह की जमात का एहतमाम, दौरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हों में पहली जुमे की पहली अजान, याद रखें मज़हब इस्लाम में अगर देखा जाए और सरकार के दौर में सिद्दीक अकबर उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के दौर में सिर्फ जुमे की एक अजान होती थी जो अजान सानी कहलाती है, जो खुतबे से बिल्कुल थोड़ी देर पहले होती है। ये पहली अजान की ईजाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हों ने की थी।
जब मदीने में वसअत पैदा हुई, लोग मदीने से बाहर तक पहुंच गए, बाजार कायम हो गए, तो जब दूसरी अजान दी जाती थी तो बड़ा क्लोज टाइम हो जाता था, लोग भाग के आते थे, फिर किसी की जमात निकलती, गुस्ल का मौका ना मिलता, जुमे का एहतमाम सही तरीके से जैसा उसकी ताज़ीम के वो लायक है वैसा ना हो पाता, तो फिर ये मतलब आपने पहली अजान को ईजाद फरमाया। इसके बाद ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, छः कलमे, कुरान पाक पर एराब, सिपारों में इसकी तकसीम, मस्जिद पर गुम्बद और मीनार, मदारिस का क़याम, फिर बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, इस तरह हदीसों को जमा करना, उनके उनवानात कायम करना, रावियों पर बहस करना, अस्मा और रिजाल के इल्म वज़ा करना, फिर हमारे मदारिस में सिलेबस का क़याम, मखसूस सिलेबस, इस तारीख को क्लासेस शुरू होंगी, इस तारीख को ख़त्म होंगी, इस तारीख को दस्तारबंदी होगी, फिर हमारे जलसे जुलूस, ये सब के सब नई चीज़ें हैं और सब इसमें पूरी उम्मत इन्वॉल्व है। जो शख्स ये नारा लगाए कि जी फला चीज़ बिदअत है, फला बिदअत है, हालांकि उस पर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद अमल पैरा हो रही है, उलमाए किराम, मुफ्तीन किराम ने इजाज़त दी है, वो बिल्कुल गलत कर रहा है। इसलिए कि अगर वो एक चीज़ को बिदअत कहता है तो फिर अल्लाह ताला ने अहले इल्म को पैदा किया हुआ है, कोई मर नहीं गए सब लोग, उसको फिर याद दिलाया जाएगा कि खुद आप 500 बिदअतें ईजाद किए हुए हैं। अब जैसे अरब लोग रुमाल डाल लेते हैं, लाल रंग का रुमाल, और ऊपर फिर वो एक काली सी पट्टी भी डाली होती है, रस्सी सी ऊपर डाल लेते हैं, क्या ये बिदअत नहीं है? ये लिबास की बिदअत है, ये नई चीज़ ईजाद हुई, नबी करीम ने तो ऐसा नहीं कभी पहना, और इस तरह रुमाल डाल डाल के बयानात भी हो रहे होते हैं, तो क्या ये बिदअत नहीं है? तो खुलासा कलाम ये है कि बहरहाल बिदअत का हमने आपको मफहूम बताया, जो भी अमल आपके सामने आए आप उसे इसी तराजू पर परखिए और आप आसानी से फैसला कर सकते हैं कि कौन सी बिदअत कबीहा है, कौन सी हसना है और कौन सी मुबाहा है, और उनमें अगर डाउट पैदा हो तो फिर उलमा मौजूद हैं, हम उनसे मालूम कर लें। आप बिल्कुल जैसे अब मिसाल के तौर पर यह रबीउल अव्वल का महीना अभी चल रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर डाउट पैदा होता है या डाउट पैदा किया जाता है कि जी ये नई चीज़ ईजाद हुई है, तो ये इस किस्म की जो उलमा की सरपरस्ती में जब कोई काम हो रहा हो तो फिर याद रखिए कि उलमा खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि वो खौफ खुदा से खाली होते हैं, वो उसी चीज़ की इजाज़त मरहमत फरमाते हैं जो उनके नज़दीक सही होती है। हाँ, अब अगर लोग उनमें खुराफात पैदा कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता कि उलमा हर खुराफात को जायज़ करार दे दें, बाज़ फ़ी नफ़्सी अमल सही होता है, उसके साथ चीज़ें गलत शामिल कर ली जाती हैं, तो हमें गलत चीज़ों को दूर करना चाहिए, ना कि टोटल अमल को ही गलत करार दे, ये गलत है।